अरविंद केजरीवाल पर नई मुसीबत, अब ईडी के चंगुल से नहीं बचेगा घोटालेबाज। एक एक घोटाले का अब होगा हिसाब। केजरीवाल को फिर से लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट। ईडी के चंगुल में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और उनकी हिरासत बढ़ती ही जा रही है, और अब दूसरी तरफ केजरीवाल के सिर पर एक और नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और उनकी हिरासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं तो उनकी मुश्किलें ईडी ने और ज्यादा बढ़ा दी हैं, और एक और मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल पर अब नई मुसीबत आना तय माना जा रहा है। शराब घोटाले में जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया है, उसके बाद से ही केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है, जिसके बाद ईडी ने अब दूसरे घोटाले के मामले में भी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन जिस तरीके से चौतरफा बढ़ती जा रही हैं, उसको देखकर ये लगता है कि अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अब कोई राहत भी नहीं मिल पाई है, जब प्रवर्तन निदेशालय ने अब दिल्ली जल बोर्ड घोटाला केस में चार्जशीट फाइल करके केजरीवाल को नई मुसीबत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान भी लिया जा सकता है। ईडी की इस चार्जशीट में रिटायर्ड मुख्य इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ही ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी किया था, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले फरवरी में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिया गया था, ये पैसा आपके इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने ये बात जानते हुए भी कि कंपनी टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है, 38 करोड़ रुपए के ठेके MSNKG इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए थे। जगदीश अरोड़ा ने ही रिश्वत का पैसा आगे आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया। इसी मामले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार भी किया था। गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजकर 18 मार्च को तलब किया था। हालांकि केजरीवाल ईडी के सामने भी दरकिनार करते हुए पेश होने से इनकार कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की बैकअप योजना करार दिया था। और इतना ही नहीं, एक तरफ तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के एक और मंत्री ईडी की रडार पर आ गए हैं, जो अब केजरीवाल के राजों से पर्दा हटाएंगे। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रडार पर आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री आ चुके हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और आपके वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत को जांच एजेंसी ने 30 मार्च को सम्मन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी का सम्मन मिलने के बाद कैलाश गहलोत 30 मार्च को करीब 12:15 बजे ही ईडी मुख्यालय पहुंच गए। दरअसल जांच एजेंसी ईडी की टीम दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कैलाश गहलोत तो दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन मंत्री हैं, तो भला उनको पूछताछ के लिए समन क्यों भेजा गया है और उनका इस मामले में क्या कनेक्शन है, तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये मामला उस वक्त का है जब दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति मामले में पॉलिसी बनाई जा रही थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक समिति बनाई थी। उस कमेटी में 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें एक मंत्री कैलाश गहलोत भी थे। आबकारी नीति की पॉलिसी बनाने वाली विशेषज्ञ समिति की अगर बात करें तो उसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल
शामिल थे। जांच एजेंसी इसी केस मामले में मनीष सिसोदिया सहित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही एक अन्य मामले में सत्येंद्र जैन को भी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई है। ये नई याचिका हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की तरफ से दायर की गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी ही मांग करने वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हिरासत में जाने के बाद केजरीवाल सीएम नहीं रह सकते। कोर्ट ने साथ ही टिप्पणी भी की थी कि अगर कोई संवैधानिक संकट भी है तो इस पर एलजी या राष्ट्रपति को फैसला लेना है, इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वो 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे गए थे, जिसे अब 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। हिंदू सेना ने याचिका में एलजी को ये आदेश जारी करने की मांग की है कि वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करें। इसके साथ ही ये भी तय किया जाए कि दिल्ली की सरकार एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा चले। याचिका में ये भी कहा गया है कि देश के संविधान में ऐसी कोई कल्पना नहीं है कि एक मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की स्थिति में न्यायिक या पुलिस हिरासत से सरकार चला सके। हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि इस तरह का कोई कानून नहीं है कि अदालतें प्रशासन और शासन में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप करें। याचिका में ये बात भी स्पष्ट की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के तहत एक राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं। याचिका हिंदू सेना के वकील वरुण सिन्हा ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने संविधान द्वारा उन पर जताए गए संवैधानिक विश्वास का उल्लंघन किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इसलिए संवैधानिक नैतिकता के कारण उन्हें जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक तरफ तो कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल खुलकर पति के बचाव और केंद्र सरकार पर प्रहार के लिए सामने आ रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन बढ़ाने वाला एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। इस बीच में भाजपा आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल लालू राबड़ी मॉडल पर सुनीता को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं। भाजपा नेता अपनी बात को दम देने के लिए उदाहरण देते हैं कि सुनीता उसी कुर्सी पर बैठकर वीडियो संदेश जारी कर रही हैं जिस पर केजरीवाल बैठते थे। अब आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। दरअसल एक टीवी डिबेट शो के दौरान आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कुर्सी और सीएम बनाए जाने को लेकर चल रही अटकलों पर जवाब दिया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि चूंकि वो हर दिन शाम को केजरीवाल से मुलाकात करने जाती हैं, उसके बाद आकर सार्वजनिक करती हैं कि क्या बातचीत हुई। जब उनसे पूछा गया कि उस कुर्सी पर केजरीवाल के बाद सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही क्यों बैठी, प्रियंका कक्कड़ ने इसका खंडन किया कि इस कुर्सी पर सिर्फ केजरीवाल ही बैठते थे। उन्होंने कहा कि वहां से पीसी सौरभ भारद्वाज ने की है, आतिशी और संदीप पाठक जी ने भी की है, अभी उनकी यानी केजरीवाल की धर्म पत्नी कर रही हैं और बताती हैं कि जब वो मिलने गई तो क्या बात हुई। पार्टी के लिए कैंपेन क्यों लॉन्च किया गया जबकि पार्टी की पदाधिकारी नहीं है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल स्वराज में विश्वास करते हैं, शासन के सहभागी स्वरूप में विश्वास करते हैं, इसको राजनीतिक एंगल देने की जरूरत नहीं है। क्या सुनीता केजरीवाल सीएम नहीं बनेंगी और रामलीला मैदान में वो भाषण नहीं देंगी? इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि रामलीला मैदान में दोबारा से वो जन आक्रोश और क्रांति दिखेगी जो हमारी स्थापना के समय दिखी थी। एक मुख्यमंत्री को ऐसे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें एक जेब कतरे को भी नहीं किया जा सकता है, यानी चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि नए घोटाले में भी अरविंद केजरीवाल का कोई हाथ निकलकर सामने आता है क्या। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।